हेलो स्टूडेंट, माय नेम इज मिनी सेठी। टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस फॉर मॉनेटरी पॉलिसी। वेरी सिंपल पॉलिसी है मॉनेटरी पॉलिसी, एक रेगुलेटरी पॉलिसी है जिसे चलाता कौन है, जिसे ऑपरेट कौन करता है, आपका सेंट्रल बैंक ऑपरेट करता है। क्यों ऑपरेट करता है? मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। क्यों कंट्रोल करता है? मनी सप्लाई को स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। इसी के बारे में बात करेंगे। मॉनेटरी पॉलिसी की एक रेगुलेटरी पॉलिसी है जिसे कौन चलाता है? आपका सेंट्रल बैंक चलाता है। मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए, कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। ठीक है, अब वो मनी सप्लाई को कैसे कंट्रोल करता है और वो कौन से स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव है और ये कैसे रेगुलेटरी पॉलिसी है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब इंस्ट्रूमेंट क्या है, कैसे आप मॉनेटरी पॉलिसी को इंप्लीमेंट कर सकते हो। इसके इंस्ट्रूमेंट दो तरह के होते हैं, एक होते हैं क्वांटिटेटिव और एक होते हैं क्वालिटेटिव। ठीक है, दो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में सबसे पहले हम बात करेंगे सीआरआर की। सीआरआर क्या है? कैश रिजर्व रेशो। अब कैश रिजर्व रेशो क्या है? कमर्शियल बैंक को अपना कुछ पार्ट, कमर्शियल बैंक की जितनी अर्निंग होती है उस अर्निंग का कुछ परसेंटेज कमर्शियल बैंक को किसको देना पड़ता है? रिजर्व बैंक को देना पड़ता है। कमर्शियल बैंक को अपनी अर्निंग का, अपने पैसे, जो जितने पैसे उसके पास कलेक्ट होते हैं, उसका कुछ पार्ट किसके पास रखना पड़ता है? रिजर्व बैंक के पास रखना पड़ता है। ठीक है, सीआर क्या है? कैश रिजर्व रेशियो क्या है? कमर्शियल बैंक को अपने जितने उसके पास पैसे आते हैं उसका कुछ पार्ट किसके पास रखना पड़ता है? रिजर्व बैंक के पास रखना पड़ता है। ठीक है, इतना समझ में आया। अब क्या है, जब क्या है, मार्केट में क्या है, इन्फ्लेशन हो गया, महंगाई होगी, मार्केट में महंगाई की, मार्केट में पैसा बहुत ज्यादा है, लोग बहुत डिमांड कर रहे हैं, इसलिए बहुत ज्यादा प्राइस हाई हो रहा है। अब मार्केट से कुछ पैसा कम करने की जरूरत है, तो इस टाइम पीरियड पर रिजर्व बैंक क्या करेगा? कैश रिजर्व रेशो को बढ़ा देगा। जैसे ही वो कैश रिजर्व रेशो को बढ़ाएगा कि वो क्या तो क्या करेगा कि मेरे पास तुम पैसा ज्यादा रखो। मान लो पहले कैश रिजर्व रेशो 4% था, वो कैश रिजर्व रेशो 8% करेगा। जब कमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक के पास पैसा ज्यादा रख रहे हैं तो लोगों को देने के पास उनके पास पैसा कम पड़ जाएगा, लोगों को कम लोन पे देंगे तो मार्केट में पैसा कम आएगा, मार्केट में पैसा कम आएगा, इन्वेस्टमेंट कम होगा, डिमांड कम होगी, अल्टीमेटली प्राइस क्या हो जाएंगे? स्टेबल हो जाएगी। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आया कि मॉनेटरी पॉलिसी को रिजर्व बैंक यूज करता है मनी सप्लाई को कंट्रोल करके कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए। यहाँ पे स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव क्या था? इन्फ्लेशन को कम करना। इन्फ्लेशन को कैसे कम किया? सीआरआर को बढ़ा के। इसी तरह से अगर मान लो डिफ्लेशन होगा, प्राइस कम होंगे, तो वो सीआरआर को क्या करेगा? कम कर देगा। ठीक है, पहले बढ़ाया था, अब कम कर देगा। अब हम बात करते हैं एसएलआर की। एसएलआर क्या? स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। क्या? स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो ध्यान में रखना। ठीक है, अब ये क्या है? कमर्शियल बैंक को सीआरआर में, कमर्शियल बैंक को अपना कुछ परसेंटेज रिजर्व बैंक के पास रखना था। अब सीएलआर में क्या है? कमर्शियल बैंक को जितना भी वो पैसा उनके पास आता है वो सारा पैसा आगे लोगों को लोन पे नहीं देना, उसका कुछ परसेंटेज अपने पास रखना लिक्विडिटी फॉर्म में या फिर नियर टू लिक्विडिटी फॉर्म। ठीक है, मींस उसको इजी से लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सके, जैसे अप्रूव्ड गवर्नमेंट सिक्योरिटी हो गई या गोल्ड हो गया। ठीक है, मींस अपने पास कुछ पैसा रखना नियर टू कैश, जैसे मान लो गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटी होगी या फिर गोल्ड हो गया। ठीक है, उसको अपना अपनी पैसों का कुछ परसेंटेज सारा लोगों को नहीं देना बल्कि कुछ परसेंटेज अपने पास रखना है, जिसे बोलते हैं स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। अब रिजर्व बैंक इसका यूज कैसे करेगा? अब गवर्नमेंट इसका यूज कैसे करेगा? जैसे मानो इन्फ्लेशन है, महंगाई ज्यादा है, तो गवर्नमेंट क्या करेगा, ये रिजर्व बैंक क्या करेगा, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो को बढ़ा देगा। उसको कहेगा कि अपने पास आप ज्यादा रखो, लोगों को कम दो। इस तरह से मान लो अगर महंगाई कम है, मार्केट में पैसा देने की जरूरत है, तो ये क्या करेगा, रिजर्व बैंक स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो को कम कर देगा। ओके, तो उसके बाद हम बात करते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन क्या? बाय एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी। ठीक है, अब बाय एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी का मतलब क्या है? गवर्नमेंट की सिक्योरिटी को बेचना और खरीदना। अब लोगों का विश्वास मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से ज्यादा गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे होता है। अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को यह लग रहा है कि मार्केट में क्या है, मंदी है, लोग इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है। ठीक है, तो इस टाइम पीरियड पे रिजर्व बैंक क्या करेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को क्या करेगा, खरीदना शुरू कर देगा।
ठीक है, जब वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीदना शुरू कर देगा तो लोगों को क्या देगा, पैसा देगा। लोगों के पास जो गवर्नमेंट सिक्योरिटी है वो आके रिजर्व बैंक को बेचो, रिजर्व बैंक उसके बदले में क्या देगा, पैसा देगा, उसके बदले में क्या देगा, आपको मनी देगा। लोगों के पास मनी आएगी, लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, एम्प्लॉयमेंट होगा, जिससे क्या होगी, डिमांड बढ़ेगी और आपकी इकोनॉमिक फिर से चल पड़ेगी, फिर से प्राइस स्टेबल हो जाएगी। अब जब गवर्नमेंट को लगता है कि ऑलरेडी महंगाई है, ऑलरेडी प्राइस बहुत ज्यादा है, तो वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को क्या करेगा, बेचना शुरू कर देगा। लोगों को क्या कहेगा, आओ और गवर्नमेंट सिक्योरिटी को खरीदो, बड़े सारे ऑफर्स देके, बहुत सारे डिस्काउंट सिस्टम को अप्लाई करके। अब गवर्नमेंट क्या करेगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी को बेचना शुरू कर देगा। यहाँ पे लोग आएंगे, रिजर्व बैंक से गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदेंगे और लोगों का पैसा किसके पास जाएगा, रिजर्व बैंक के पास जाएगा, और मार्केट से अल्टीमेटली पैसा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या, ओपन मार्केट ऑपरेशन। उसके बाद हम बात करते हैं बैंक रेट की। बैंक रेट क्या है, एक तरह के इंटरेस्ट रेट होते हैं जिससे रिजर्व बैंक कमर्शियल बैंक को पैसा देता है। बैंक रेट क्या है, एक तरह की इंटरेस्ट रेट है जिससे रिजर्व बैंक क्या देता है, कमर्शियल बैंक को पैसा देता है। अगर रिजर्व बैंक मनी सप्लाई को बढ़ाना चाहता है तो वो क्या करेगा, बैंक रेट को कम कर देगा। अगर वो मार्केट में मनी सप्लाई को बढ़ाना चाहता है, बैंक रेट को कम कर देगा, कमर्शियल बैंक इंटरेस्ट रेट को कम कर देंगे, तो लोग क्या करेंगे, ज्यादा पैसा कमर्शियल बैंक से उठाएंगे। अब अगर रिजर्व बैंक मनी सप्लाई को कम करना चाहता है तो बैंक रेट को बढ़ा देगा, बैंक रेट बढ़ेगी, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी, तो लोग क्या करेंगे, बैंक से कम पैसा उठाएंगे। ठीक है, बैंक रेट को कैसे, बैंक रेट क्या है जिसमें कमर्शियल बैंक रिजर्व बैंक, जिसमें क्या करता है, रिजर्व बैंक कमर्शियल बैंक को पैसा देता है, वो क्या होती है, बैंक रेट देती है। अगर रिजर्व बैंक को मनी सप्लाई बढ़ानी है तो वो बैंक रेट को बढ़ा देगा, जिससे क्या होगा, अगर रिजर्व बैंक को क्या करना है, मनी सप्लाई बढ़ानी है तो वो बैंक रेट को कम कर देगा, जिससे क्या हो जाएगी, इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगी और लोग ज्यादा पैसा बैंक से उठाएंगे। अगर रिजर्व बैंक को मनी सप्लाई कम करनी है तो वो बैंक रेट को बढ़ा देगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगी, जिससे लोग क्या करेंगे, कम पैसा क्या करेंगे, बैंक से उठाएंगे। ठीक है, तो ये क्या है, बैंक रेट एक इंस्ट्रूमेंट है जो रिजर्व बैंक यूज करता है मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए। तो ये क्या हो गए, क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट हो गए। इस तरह हम बात करते हैं क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट की। क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में क्या आएगा, एक आएगा आपकी मार्जिनल रिक्वायरमेंट। ठीक है, मार्जिनल रिक्वायरमेंट क्या होती है, जो आपकी सिक्योरिटी होती है, ठीक है, उसके बदले में जो आप अमाउंट ऑफर करते हो, जैसे मान लो आपको बैंक से पैसा लेना है, ठीक है, आप कुछ अपना घर गिरवी रखते हो या कुछ गहने गिरवी रखते हो, तो उसका उसकी वैल्यू क्या है, 1 लाख है। ठीक है, 1 लाख उसकी वैल्यू है। ठीक है, तो उसके बदले में आपको क्या मिलेगा, 80,000 का लोन मिल जाएगा। ठीक है, ये क्या, मार्जिनल रिक्वायरमेंट। अगर रिजर्व बैंक को मनी सप्लाई को कम करना है मार्केट में, उसको लगता है कि ऑलरेडी क्या इतनी ज्यादा महंगाई है, मनी सप्लाई को कम करना है, तो वो क्या करेगा, मार्जिनल रिक्वायरमेंट को कैसे करेगा, जैसे मान लो आपकी सिक्योरिटी की वैल्यू क्या है, 1 लाख है, उसके बदले में आपको पहले क्या था, 80,000 लोन मिलेगा, अब आपको 40,000 60,000 इतना ही मिलेगा। ठीक है, तो इसमें अगर उसको मनी सप्लाई को कम करना है तो आपकी जो सिक्योरिटी की वैल्यू, उससे आपको जो लोन मिलेगा वो बहुत कम मिलेगा। अगर उसे मनी सप्लाई को बढ़ाना है तो आपकी सिक्योरिटी की वैल्यू से थोड़ा बहुत अमाउंट काट के वो आपको लोन दे देगा। ठीक है, तो ये क्या है, मार्जिनल रिक्वायरमेंट, जो मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए रिजर्व बैंक क्या करता है, कंट्रोल में लाता है। उसके बाद गाइडलाइन, कुछ जनरल गाइडलाइन, ओरल गाइडलाइन या रिटर्न गाइडलाइन इशू कर देता है, कुछ वार्निंग देता है या अपील कर लेता है कमर्शियल बैंक से कि जो पैसा है मार्केट में कम दो, इस टाइम पीरियड पे ऑलरेडी क्या है, महंगाई है, या इस टाइम पे डिफ्लेशन है, इस टाइम पे मंदी है, थोड़ा बहुत लोन बढ़ा दो, इंटरेस्ट रेट कम कर दो, ऐसे गाइडलाइन जारी करता है, या डायरेक्ट एक्शन लेता है। जो बैंक रिजर्व बैंक की बातों को नहीं मानते कमर्शियल बैंक, उन पे डायरेक्ट एक्शन लेता है, उनके लिए बैंक रेट ज्यादा बढ़ा देता है, उनके बिल को क्या करता है, मान लो कुछ उसको कुछ भी रीडिस्काउंट करने थे, वो भी ज्यादा रेट पे करने लग जाता है, इस तरह के डायरेक्ट एक्शन लेता है। उसके बाद हम बात करते हैं मोरल सुएजन की। ठीक है, अब मोरल सुएजन क्या है, इसमें क्या होता है, इनफॉर्मल वे, आप इनफॉर्मल वे में कमर्शियल बैंक को समझाते हो, इसमें आप किसी तरह की थ्रेट या वार्निंग का यूज नहीं करते, इनफॉर्मल वे में उसको समझाते हैं कि लोगों को पैसा कम दे, इस टाइम पीरियड पे क्या है, ऑलरेडी डिफ्लेशन हो रहा है, या डिफ्लेशन के टाइम पे कहेगा कि पैसा ज्यादा दे, ऑलरेडी डिफ्लेशन है, पैसा ज्यादा दे क्योंकि डिफ्लेशन है, ताकि लोग अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ाए जिससे एम्प्लॉयमेंट मिले, मींस इनफॉर्मल वे में उनको समझाता है। ठीक है, तो ये तो हो गए क्वांटिटेटिव भी हो गए, ये हो गए क्वालिटेटिव भी हो गए। अब इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी के ऑब्जेक्टिव के प्राइस स्टेबिलिटी।
ठीक है, प्राइस स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है, जैसे मानो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन के टाइम पे प्राइस ज्यादा है, ठीक है, और डिफ्लेशन के टाइम पे प्राइस कम है। इन्फ्लेशन के टाइम पे प्राइस ज्यादा, तो मनी सप्लाई को क्या जरूरत है, कम करने की जरूरत है मार्केट में, जिससे कोई भी इंस्ट्रूमेंट अडॉप्ट कर लेगा, जैसे बैंक रेट को बढ़ा देगा ताकि मनी सप्लाई क्या हो जाए, मार्केट में कम हो जाए। ठीक है, अगर मान लो मनी सप्लाई ऑलरेडी ज्यादा है तो बैंक रेट को कम कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से रिजर्व बैंक क्या करता है, प्राइस स्टेबिलिटी लाता है, उसके बाद रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक है, रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब क्या है कि ये आपका रिजर्व बैंक ग्रोथ में भी कंट्रीब्यूशन करता है। ग्रोथ किससे होगी, इन्वेस्टमेंट होगा, एम्प्लॉयमेंट होगा, डिमांड होगी, उसी से तो ग्रोथ होगी। अब जब रिजर्व बैंक को ऐसा लगता है कि मनी सप्लाई बढ़ानी है तो कुछ इंस्ट्रूमेंट यूज करके मनी सप्लाई बढ़ा लेगा, अगर रिजर्व बैंक को ऐसा लगता है कि मनी सप्लाई कम करनी है तो कुछ इंस्ट्रूमेंट यूज करके मनी सप्लाई कम कर देगा। अब जब मनी सप्लाई बढ़ाएगा, लोगों के पास पैसा आएगा, इन्वेस्टमेंट होगा, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, डिमांड होगी, अल्टीमेटली क्या होगी, इकोनॉमी की ग्रोथ होगी। उसके बाद ये क्या करता है, आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम। अब बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या, डिसइक्विलिब्रियम है। डिसइक्विलिब्रियम में कैसे होता है, जब आपके इंपोर्ट ज्यादा है और एक्सपोर्ट कम है, ठीक है, कोई भी कारण हो सकता है। ठीक है, अब आपके क्या कहते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट को इक्विलिब्रियम में करता है, कब इक्विलिब्रियम में करता है, जैसे मान लो डिसइक्विलिब्रियम में आपके इंपोर्ट ज्यादा है, एक्सपोर्ट कम है, ठीक है, तो इक्विलिब्रियम में कैसे कर सकता है, और बैलेंस ऑफ पेमेंट के जैसे मान लो डिसइक्विलिब्रियम में क्यों है, इंपोर्ट क्यों ज्यादा है, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक्सपोर्ट नहीं हो रहा, उस चीज का प्रोडक्शन नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि मार्केट में पैसा नहीं है। अब गवर्नमेंट क्या करेगा, आरबीआई क्या करेगा, इन इनमें से किसी भी इंस्ट्रूमेंट का यूज करके मार्केट में पैसा बढ़ाएगा, लोगों के पास पैसा आएगा, प्रोडक्शन करेंगे, जिस चीज का वो इंपोर्ट कर रहे थे उसको अपनी होम कंट्री में ही उसका प्रोडक्शन शुरू कर देंगे, जिससे क्या होगा, आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। उसके बाद फुल एम्प्लॉयमेंट, मार्केट में पैसा बढ़ाएगा, लोग बिजनेस करेंगे, बिजनेस करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट तो मिलेगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कंट्रोल बिजनेस साइकिल। अब कंट्रोल बिजनेस साइकिल वही, ठीक है, जैसे मान लो बूम है, ये डिप्रेशन है, बूम में प्राइस ज्यादा है, मनी सप्लाई को कम करने की जरूरत है, तो इनमें से कोई भी इंस्ट्रूमेंट अडॉप्ट करके मनी सप्लाई को कम कर देगा। अब डिप्रेशन में मनी सप्लाई बढ़ाने की जरूरत है, तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज करके मनी सप्लाई को बढ़ा लेगा, ठीक है। तो ये थी हमारी मॉनेटरी पॉलिसी, और ये कुछ इंस्ट्रूमेंट थे जिसे यूज करके एक रिजर्व बैंक क्या करता है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है, और ये उसके ऑब्जेक्टिव थे। आई थिंक आपको समझ में आ गया।